दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जाकिर यूट्यूबर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जाकिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जाकिर यूट्यूबर। सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 13 इन दिनों सुर्खियों में है। टीआरपी के मामले में भी सलमान खान का ये शो कई सीरियल्स को मात दे रहा है। वहीं बिग बॉस 13 में ऐसे कई घर वाले हैं जो दर्शकों के सबसे ज़्यादा पसंदीदा बन गए हैं। इनमें से एक टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला भी हैं। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के घर में अपने गुस्सेल रवैये से जाने जाते हैं, फिर भी लेकिन वे दर्शकों को बहुत प्रिय बने हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो सड़क पर किताब बेचने वाले का है। वीडियो में टेलीविजन कलाकार जय भानुशाली किताब बेचने वाले से बिग बॉस के बारे में कुछ पूछते हैं। तो दोस्तों, जय भानुशाली उस किताब बेचने वाले से क्या पूछते हैं और वो किताब बेचने वाला शख्स सिद्धार्थ के बारे में क्या रिप्लाई करता है, आइए इस वीडियो में हम पता करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो सड़क पर किताब बेचने वाले का है। वीडियो में टेलीविजन कलाकार जय भानुशाली किताब बेचने वाले से बिग बॉस के बारे में कुछ पूछते हैं, जिस पर वो शख्स कहता है कि हाँ, मैं बिग बॉस रोज देखता हूँ। इसके बाद जय भानुशाली उसे पूछते हैं कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को क्यों पसंद करते हैं। इस पर किताब बेचने वाले का शख्स का जवाब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो शख्स कहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला सही के लिए खड़े होते हैं, इसीलिए मैं उन्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद ही किताब बेचने वाले शख्स ने यह भी कहा कि अगर वह समय पर बिग बॉस 13 नहीं देख पाता है तो वह अगले दिन सुबह देखता है। शख्स की ये बात सुनकर जय भानुशाली भी हैरान हो जाते हैं। किताब बेचने वाले इस शख्स का भानुशाली की पत्नी माही विज ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की दोस्ती अब टूट चुकी है। शो की शुरुआत में दोनों की दोस्ती जबरदस्त देखने को मिल रहा था। शो की शुरुआत में दोनों की जबरदस्त दोस्ती देखने को मिली, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि दोनों का घर में कई बार झगड़ा भी हो चुका है। अब घर वालों को 3 महीने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला का एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद घर वालों को बिल्कुल यकीन नहीं होगा। दोस्तों, जैसे कि आपने कल प्रीवियस एपिसोड में देखा कि रोहित आसिम और सिद्धार्थ से बात करते हैं, इस दौरान रोहित कुछ ऐसा कह देते हैं कि जिसे सिद्धार्थ उनके सामने रोने लगते हैं। आपने देखा होगा कि रोहित आते ही सिद्धार्थ शुक्ला के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि क्यों इतना गुस्सा यार। इसके बाद सिद्धार्थ और आसिम एक साथ बात करते हुए रोहित के साथ नजर आते हैं। आगे रोहित कहते हैं, मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, कहीं ना कहीं आप दोनों ने वो दायरा तोड़ दिया है। आपकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि अब वो दायरा टूट गया है। आसिम कुछ कहते, इसके बाद रोहित कहते हैं, बेटा सुन, उसकी आंख में आंसू है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ शुक्ला को दिखाते हैं। सिद्धार्थ आसिम और रोहित के सामने रो रहे होते हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि रोहित शेट्टी सिद्धार्थ और आसिम की दोस्ती फिर करवाने घर आए थे। अब ये दोस्ती दोबारा होती है या नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताएं। तो दोस्तों, अब ये दोस्ती दोबारा होती है या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आप आसिम और सिद्धार्थ की दोस्ती देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करके बताएं। साथ में ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई गॉसिप के साथ।